भाई ये कोई फ्रिज नहीं, कोई चिलर नहीं, ये है डिजिटेक का ड्राई कैबिनेट। सभी फोटोग्राफर के पास ये होना जरूरी है। डोंट टेल मी कि आपके पास नहीं है। भाई देखो, एज अ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं अपने इक्विपमेंट्स पे। आज की डेट में आप एक सिंगल कैमरा या लेंस लेने जाओ, आपको बता आपको पॉकेट से मिनिमम लाख डेढ़ लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हम गियर्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका ध्यान जो है वो सही से रखना जो है वो भूल जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम शूट करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम छुट्टियां आ गई या आप कहीं बाहर चले गए, आप शूट नहीं कर रहे, आप अपने गियर्स को कहीं साइड में रख के भूल जाते हैं। पर आपने नोटिस किया होगा कि बीच में कई बार आपके लेंस पे फंगस सा थोड़ा सा कुछ नजर आने लग जाता है, या आपकी ग्रिप, आप नोट करेंगे लेदर निकल रहा है, ग्रिप लेंस के ऊपर से वो लूज हो रही है चीजें। ये इसलिए हो रही है बिकॉज हमारे एयर में मॉइस्चर की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, सब कुछ है ही, और ये चीजें आपके इक्विपमेंट्स को खराब करता है। इसीलिए आपके पास एक ड्राई कैबिनेट होना बहुत जरूरी है। गाइस देखो, अगर मैं नहीं कहता कि आपके पास 6-7 कैमरा बॉडीज हो, लेंसेज हो, तब जाके आपको ड्राई कैबिनेट लेना है। अगर आपके पास एक कैमरा और एक लेंस भी है ना, मैं आपको बोलूंगा आपको ड्राई कैबिनेट लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली ड्राई कैबिनेट करता क्या है, ड्राई कैबिनेट ह्यूमिडिटी को आपके इस कैबिनेट से निकाल देता है और आपके गियर्स को सही तरीके से एक परफेक्ट टेम्परेचर पे सेट करके रखता है। डिजिटेक का ये ड्राई कैबिनेट ऑटोमेटिक है और यहाँ पे 40% पे ये ऑटोमेटिकली सेट होती है ह्यूमिडिटी इसकी, जो आप चाहें बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और बेस्ट चीज क्या है यार, जब हम अपने कैमरा को अगर आप यूज नहीं कर रहे, इसको सही तरीके से संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों के माइंड में मिथ है कि अगर हम बारिश वाले एरिया में रहते हैं, ह्यूमिड एरिया ज़्यादा है या गर्मी वाला एरिया ज़्यादा है तभी आपको ड्राई कैबिनेट लेना चाहिए, बाकी वेदर्स के लिए ड्राई कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ में, हर कंडीशन के लिए आपके पास ड्राई कैबिनेट होना चाहिए। भाई देखो, जैसे तैसे करके आप सेविंग्स करके, पैसे सेव करके अपने इक्विपमेंट्स लेते हो और बाद में अगर ये फंगस उस पर लगना शुरू हो जाना, आप इसको चाहे ठीक भी करवा लो, ये बाद में दोबारा होएगा ही होएगा। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर स्टोरेज चाहिए जो आपके इक्विपमेंट्स को ठीक से रख सके। कैबिनेट के अंदर आपको ये ट्रेज मिलती हैं जिसके अंदर आप अपने इक्विपमेंट्स स्टैक कर सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि लेंसेज रखने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का ये फोम दिया हुआ है जो ऑलरेडी लेंस के डिजाइन में कटा हुआ है। इसके ऊपर आप अपने लेंस प्लेस कर सकते हैं और साथ में आपको मिलती है की जिससे आप ये कैबिनेट लॉक कर सकते हैं। घर पर अगर बच्चे भी हाथ नहीं लगाएंगे और वैसे भी आप सिक्योरली इसको लॉक करके सेफ रख सकते हैं। ये जो डिजिटेक का ड्राई कैबिनेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 85 लीटर वाला है और इसका मार्केट प्राइस जो है वो 15,000 रुपए का है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मुझे इतना बड़ा, इतना ज्यादा लीटर वाला नहीं चाहिए, आप इसका छोटा वर्जन भी ले सकते हो जो कि है 35 लीटर वाला, वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 6,500 रुपीज का। ये जो ड्राई कैबिनेट है गाइज, इन दोनों मॉडल्स के जो बाइंग लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रहा हूँ, आप वहां जाके ये खरीद सकते हैं। और आप क्या राय है, आपको कैसा लगा आज का वीडियो, नीचे लाइक कमेंट करके बताना। और अगर आप ड्राई कैबिनेट आज ही खरीदने वालों, नीचे कमेंट करके बताना। आई वुड लव टू रीड। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।